बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए एक और मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको खुबानी का मीठा बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है, बहुत सिंपल और इजी भी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। खुबानियाँ ली हैं मैंने तकरीबन 1.5 पाव, आप आधा किलो तक भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने 1 कप भर के चीनी का लिया है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैं कस्टर्ड के अंदर इस्तेमाल करूंगी। 1/2 लीटर दूध लिया है मैंने, 2 टेबल स्पून चीनी है, 2 टेबल स्पून भर के मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है, और इसके अलावा 2 से 3 टेबल स्पून ही हम इसमें फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे। आप दूध की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टर्ड को ठंडा होने के बाद मिलाना है। इसके अलावा हम इसमें केक नीचे लेयर में बिछाएंगे, ऑप्शनल है। आप चाहें तो डायरेक्ट कस्टर्ड और खुबानी का मीठा ही यूज़ कर लें, जो ऑथेंटिक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें टेक्सचर अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसके अंदर केक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसको गार्निश अपने हिसाब से किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, मैं इसको बादाम और पिस्ते से ही गार्निश करूँगी। सबसे पहले हम पतीली के अंदर खुबानियाँ डालेंगे, साथ ही हम चीनी भी डाल देंगे और 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब हम खुबानियों को इतनी देर पकाएंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, जब ये बिल्कुल पेस्ट की तरह बनने लगेंगी तो हम इसके अंदर हैंड ब्लेंडर चला देंगे या इन्हें ग्राइंडर में डाल के आप इसको ग्राइंड कर लें। 1 चुटकी मैं इसके अंदर नमक भी डालूंगी, जो कि मैं आपको बताना भूल गई हूँ, तो बस मैंने 1 चुटकी नमक डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है। 5 मिनट इसे मैंने और पका लिया है और ये बिल्कुल अच्छी सॉफ्ट हो गई हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब मैं इनको हैंड ब्लेंडर से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ और फिर मैं आपको ला के दिखाती हूँ, क्योंकि मैं उसके बाद इसे 2-3 मिनट थोड़ा सा और पकाऊंगी। तो मैंने इसे ग्राइंड करके देखिए वापस से चूल्हे पर रखा है और इस वक्त ये उड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने कवर किया हुआ है। सिर्फ मैं इसको 2-3 मिनट और पकाऊंगी मीडियम लो फ्लेम पे और उसके बाद मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आप चाहें तो थोड़ा सा ज्यादा भी पका सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको पका के चूल्हा बंद कर दिया है और आपके सामने इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, बस ऐसा हमने रखना है। तो मैं इसको ठंडा कर रही हूँ और इतनी देर के अंदर हम कस्टर्ड बनाएंगे और उसको सेट करेंगे। अब एक पैन के अंदर हम दूध डाल लेंगे और उसे बॉइल कर लेंगे। दूध को जोश आ गया है, अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून चीनी के डाल दूंगी। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और चीनी को जरा 1 मिनट पका के घुला लेंगे। चीनी अच्छे तरीके से घुल गई है, अब हम इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर को थोड़े से दूध में मिला लिया है मैंने, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और साथ साथ हम मिक्सर को चलाते रहेंगे। सिर्फ 1 मिनट कस्टर्ड को पकाएंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और इसे हम केक के ऊपर पोर करेंगे। ओरिजिनल रेसिपी में केक नहीं डलता, लेकिन मैं डाल रही हूँ, तो आप चाहें तो डायरेक्ट कस्टर्ड को डिश में डालें और फिर उसके ऊपर उसको ठंडा होने पर उसके ऊपर खुबानी का मीठा डाल दें, लेकिन मैं इसको केक के ऊपर ही डाल रही हूँ। और केक को मैंने थोड़ा सा शुगर वाटर से मॉइस्ट कर लिया है, आप चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं। केक मैंने अपनी सर्विंग डिश के अंदर फैला दिया, अब इसके ऊपर हम कस्टर्ड डाल देंगे। अच्छे से हम इसे सब तरफ सेट कर देंगे। क्लिंग फिल्म से कवर करेंगे इसे और इसे हम फ्रिज में रख देंगे बिल्कुल ठंडा होने के लिए, और उसके बाद हम इसके ऊपर खुबानी का मीठा लगाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा सा ये सेट हो जाएगा फिर मैं इसके ऊपर खुबानी का मीठा लगाऊंगी, तो मैं इसे अभी फिलहाल फ्रिज के अंदर रख रही हूँ। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है, इसके ऊपर हम खुबानी का मीठा डालेंगे और ये देखिए बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी के अंदर है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखिएगा क्योंकि ये अभी ठंडा होने पे पूरा सा और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, और ये कम ज़्यादा जितना आप चाहें उतना डाल सकते हैं। तो ये मैंने अच्छा खासा डाल दिया। कस्टर्ड आपने बिल्कुल हल्का मीठा बनाना है वरना तो बहुत तेज मीठा हो जाएगा, तो आप कस्टर्ड 2-3 टेबल स्पून का ही बनाइएगा। अब इसके बाद ये वो बादाम है
जो इसकी गुठलियों में से निकले ये डाल देते हैं। साथ ही हमारा थोड़ा सा बचा हुआ केक था जिसे हमने चूरा कर लिया है। इसको डालने के बाद मैंने 2 टेबलस्पून की क्रीम जो है उसमें थोड़ी सी चीनी मिला के और उसको एक इस तरीके से थैली के अंदर डाल लिया। इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से फैला देंगे और ये हमारा खुबानी का मीठा मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार खुबानी का मीठा बिल्कुल रेडी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थम्स अप दीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया कीजिए क्योंकि उससे नई आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंच जाती हैं। मेरा एक फेसबुक पेज भी है, उसे चेक कर लीजिए, वहाँ काफ़ी रिटन रेसिपीज होती हैं। अपने कमेंट्स में अपने फीडबैक देते रहिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।